दोस्तों ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप? जैसे मैं कहूँ, बारिश होने की संभावना है, उसके आने की संभावना है, मेरे मिलने की संभावना है, आपसे बात करने की संभावना है, सो अगर किसी चीज की संभावना है, सो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लाइकली टू का यूज करते हैं। सो चलिए सेंटेंस को बनाने से पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ताकि सेंटेंस को बनाने में आसानी हो। जब हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं सो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद हम लाइकली टू का यूज करते हैं, उसके बाद जो हमारा अदर वर्ब रहता है हम रख देते हैं। चलिए हम सेंटेंस बना के देख लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूँ, आपसे मिलने की संभावना है, आई एम लाइकली टू मीट यू। वहां पे जाने की संभावना है, आई एम लाइकली टू गो देयर। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे जाने की संभावना है, लेकिन मैं अपने बारे में अगर बात कर रहा हूँ सो मैं आई यूज करूंगा। आपके बारे में अगर बात कर रहा हूँ कि आपके जाने की संभावना है सो यू आर लाइकली टू गो देयर। अगर मैं कहूँ बारिश होने की संभावना है सो इट इज लाइकली टू रेन।